नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस गार्डनिंग विद सरिता। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं गुड़हल के प्लांट के बारे में, कैसे हम इससे अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सर्दियों को छोड़कर बाकी पूरे साल करीब करीब ये अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसकी थोड़ी देखभाल करनी होती है। दोस्तों ये प्लांट मेरा 3 साल पुराना है, इसमें मिली बग लगने की सबसे ज़्यादा शिकायत होती है। अगर आप इसकी नियमित देखभाल करें, जैसे जब पौधे में हम पानी डालते हैं उस समय इसकी पूरे प्लांट को अच्छे से शावर कर दें, तो इसकी समस्या धीरे धीरे सुलझ जाती है। इसे मैंने 10 से 14 इंच के गमले में लगा रखा है, और इतने बड़े गमले आपके इस प्लांट के लिए काफ़ी हैं। बस इसमें थोड़ी बीच बीच में थोड़ी इसकी प्रूनिंग भी करती रहनी होती है, जिससे इसमें कलियां बनने की संभावना ज़्यादा होगा। दोस्तों मैंने छत पे ऐसे एक प्लांट लगा रखा है, और इस बारिश में मैंने इसी प्लांट से काट कर एक दूसरे प्लांट तैयार किया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। इसकी नियमित अगर हम देखभाल करें, जैसे इसकी मिट्टी अच्छी बनाएं, मिट्टी बनाने के क्रम में हम किस तरह की मिट्टी बनाते हैं आइए बात करते हैं। इसमें हम गार्डन सॉयल 40%, कंपोस्ट 30%, रिवर सैंड 20% और नीम खली 10% ऐड करते हैं। इसमें आप कंपोस्ट के तौर पर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ खाद डाल सकते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए तो हमें इसमें केले के छिलके से बना हुआ जो फर्टिलाइज़र होता है, या केले के छिलके को हम पानी में डाल देते हैं, 2 दिन हम उसे पानी में रखते हैं, उसके बाद उस पानी से इसमें डालते हैं, तो इससे अच्छी फ्लावरिंग होती है। दोस्तों मेरे पास इसकी 2 वेराइटी है, एक देसी और दूसरी हाइब्रिड। ये ऑरेंज वाली है, इसकी फूल खूब अच्छे तैयार होते हैं। जो लाल कलर होता है उसके मुकाबले इसके फूलों की साइज़ बड़ी होती है। देखभाल मुझे कुछ ऐसे ही एक साथ ही दोनों की मैं करती हूँ, लेकिन इसकी हाइब्रिड क्वालिटी है, इसके फ्लावरिंग इसलिए इसकी काफ़ी अच्छी होती है। और ये लाल वाली वेराइटी है, इसके लिए इसमें तो करीब करीब डेली 2-4 कलियाँ बनती ही रहती हैं, और मैं करीब करीब पूरे साल इसमें से फ्लावरिंग लेती रहती हूँ। दोस्तों आइए बात करते हैं इसे हमें कहाँ रखना चाहिए। अगर आपके पास संभव हो, जहाँ आपके छत पे या बालकनी में 4 से 5 घंटे की धूप आती हो, आप उस जगह पर इसको प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जितनी धूप में ये प्लांट होगा उतनी उसकी अच्छी फ्लावरिंग होती है। धीरे धीरे इसमें रूट बाउंड की भी समस्या होने लगती है। अभी ये मेरा प्लांट करीब करीब इस गमले में सही है, लेकिन मुझे 1 साल के बाद इसे दूसरे गमले में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे रूट बाउंड हो रही है। अभी जब तक इसकी फ्लावरिंग हो रही है तब तक मैं इसे इसी में रहने दूंगी, क्योंकि इसे डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसे रिपोर्ट करते हैं तो फरवरी या मार्च में करें, बिल्कुल गर्मी या बिल्कुल सर्दी में रिपोर्ट ना करें, इससे पौधे के मरने की संभावना ज़्यादा होती है। इसकी जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है मिलीबग की समस्या। करीब कभी हर गुड़हल के प्लांट में आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। इस समस्या से समाधान के लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच लिक्विड सोप और 1 चम्मच के बराबर नीम ऑयल डाल दें। इससे आप इसके पौधों के छिड़काव करें, तब इसमें मिलीबग की समस्या दूर रहती है। और जब भी आप प्लांट में पानी डालें तो पूरे प्लांट को धो दें, और जहाँ भी आपको मिलीबग दिख रही है आप उसको धो के हटा दें। ऐसा अगर आप रोज़ करते हैं तो आपके प्लांट ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे, और करीब करीब खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी। फर्टिलाइज़र के लिए आप 2 से 3 तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट महीने में एक बार 1 मुट्ठी के बराबर इस पौधे में डालें, अच्छे से गुड़ाई करके और तब इस पौधे में डालें। केले के छिलके का पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है। दोस्तों ये मैंने उस प्लांट से प्रून करके और करीब बारिश के टाइम में मैंने इसमें लगाया था। देखिए ये करीब 3 से 4 महीने में खूब अच्छा
तैयार हो गया है और इसमें कलियां भी बनने लगी हैं। धीरे धीरे ये प्लांट को आप प्रून करते जाएं और इसमें भी खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, ये तो थी गुड़हल के प्लांट के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।